साल था 1989। भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम टेस्ट मैच खेलने पाकिस्तान गई हुई थी। भारतीय टीम जब मैच खेलने कराची के मैदान पर उतरी तो इनके सामने 6-6 फुट लंबे वकार यूनस, इमरान खान और शोएब अख्तर जैसे तेज दर्रार गेंदबाज अपनी गेंदों से आग उगल रहे थे। इस भारतीय टीम में महज 5 फुट 5 इंच का एक 16 साल का लड़का भी था, जिसने अभी अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था। सबको लगा कि ये छोटा बच्चा क्रिकेट के बड़े बड़े महारथियों का मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन आगे चलकर वही छोटा बच्चा क्रिकेट का भगवान बना। जी हाँ दोस्तों, उस बच्चे का नाम था सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के इंडियन क्रिकेटर थे। ठीक इसी कदकाठी का एक और खिलाड़ी था और इस खिलाड़ी ने भी महज 17 साल की उम्र में इंडियन टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू कर लिया था। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ये खिलाड़ी भी आगे चलकर क्रिकेट की दुनिया का बादशाह बना होगा, लेकिन हर कहानी का अंत एक जैसा नहीं होता। कुछ कहानियां अधूरी ही रह जाती हैं और कुछ ऐसी ही कहानी है लेग स्पिनर पीयूष चावला की। इंडिया के पहले गुगली किंग कहे जाने वाले पीयूष चावला अपने पूरे करियर में इंडियन टीम के लिए महज 3 टेस्ट मैच ही खेल पाए और देखते ही देखते इंडियन टीम ने इस खिलाड़ी के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए। अनसंग हीरोज ऑफ इंडियन क्रिकेट की इस खास श्रृंखला में आज हम बात करेंगे पीयूष चावला की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारा टीवी। साल 2006 में इंग्लैंड की टीम भारत के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला खेलने आई हुई थी। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच नागपुर के मैदान पर खेला जाना था। भारतीय टेस्ट टीम में एक 18 साल का लड़का भी अपने सुनहरे भविष्य के सपने देख रहा था, लेकिन नागपुर टेस्ट में इस लड़के को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच अगला मैच मोहाली के मैदान पर खेला जाना था। भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग 11 में बदलाव करते हुए इस 18 साल के लड़के को शामिल किया। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, इस लड़के ने 22 गज के मैदान पर इंग्लिश बल्लेबाजों को ऐसा नचाया कि सारी दुनिया देखती रह गई। क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में पीयूष चावला को भारत का अगला अनिल कुंबले माना जाने लगा, लेकिन भारतीय क्रिकेट महकमा पीयूष चावला की फिरकी पहले ही देख चुका था। 2005-06 की चैलेंजर ट्रॉफी में जब चावला ने सचिन तेंदुलकर जैसे बल्लेबाज को बोल्ड किया तो क्रिकेट की समझ रखने वाले सारे लोगों की नजर पीयूष चावला पर अटक गई। यहां से इतना तो तय माना जा रहा था कि पीयूष चावला बहुत जल्द इंडियन टीम का हिस्सा होंगे और अगले ही साल 9 मार्च 2006 को मोहाली के मैदान पर इंग्लैंड की टीम के खिलाफ पीयूष चावला ने अपना टेस्ट डेब्यू किया। जब पीयूष चावला ने अपना टेस्ट डेब्यू किया तो उनकी उम्र महज 17 साल और 75 दिन थी। इस तरह पीयूष चावला सचिन तेंदुलकर के बाद इंडियन क्रिकेट टीम में टेस्ट डेब्यू करने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। पीयूष चावला उन चुनिंदा क्रिकेटर्स में से हैं जिन्होंने महज 15 साल की उम्र में अंडर 19 टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। 2016 में उन्होंने पहला अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला और अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा भी रहे। पीयूष चावला भारतीय टेस्ट टीम में एंट्री मार चुके थे और उनके घरेलू क्रिकेट के आंकड़े देखकर हर कोई यही अनुमान लगा रहा था कि पीयूष चावला अगले कई सालों तक भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रहने वाले हैं, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। महज एक टेस्ट मैच खेलने के बाद पीयूष चावला भारतीय क्रिकेट टीम से गायब हो गए। पूरा एक साल बीत गया और पीयूष चावला भारतीय टीम से बाहर ही रहे, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में पीयूष चावला लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे और इसी की बदौलत 12 मई 2007 को बांग्लादेश के खिलाफ उन्हें एक दिवसीय यानी वनडे मैच में डेब्यू करने का मौका मिला। पीयूष चावला भारतीय वनडे टीम में डेब्यू करने वाले 167वें खिलाड़ी बने। बांग्लादेश के खिलाफ इस मैच में पीयूष चावला ने 3 विकेट अपने नाम की और अपनी लेग स्पिन का जादू सबको दिखा दिया। पीयूष चावला ने अपना दूसरा वनडे मैच आयरलैंड के खिलाफ खेला, इसमें भी उन्होंने अपने प्रदर्शन को बरकरार रखा और 3 विकेट अपने नाम किए, लेकिन इसके बावजूद पीयूष चावला को बार बार इंडियन टीम से बाहर किया जाता रहा। अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद वो कभी इंडियन टीम का हिस्सा होते तो कभी प्लेइंग 11 से बाहर बैठे रहते। धीरे धीरे करके पूरे 2 साल बीत गए, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में पीयूष चावला को मौका नहीं मिला। यहाँ से कयास लगाए जाने लगे कि इस खिलाड़ी का अंतर्राष्ट्रीय करियर लगभग खत्म सा हो गया है, लेकिन पूरे 2 साल के इंतजार के बाद अप्रैल 2008 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक बार फिर से पीयूष चावला को टेस्ट टीम में शामिल किया गया। यहाँ उन्होंने 2 विकेट अपने नाम की, जिसमें एक विकेट एबी डिविलियर्स जैसे बल्लेबाज का भी था, लेकिन इस टेस्ट मैच के बाद पीयूष चावला को दोबारा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पता नहीं नियति इस होनहार स्पिनर के साथ ऐसा मजाक क्यों कर रही थी। भले ही भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में पीयूष चावला की अहमियत न समझी गई हो, लेकिन देश विदेश की कई फ्रेंचाइज उनकी प्रतिभा को बखूबी पहचानते थे। इसलिए 2009 में सक्सेस काउंटी क्रिकेट क्लब ने 1 महीने के लिए पीयूष चावला को अपने साथ जोड़ा। यहाँ एक मैच में पीयूष चावला ने 8 विकेट अपने नाम किए और इसी मैच में 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 102 रन की नाबाद पारी भी खेली। इस पारी के बाद इतना तो तय हो गया था कि पीयूष चावला न केवल अच्छे लेग स्पिनर बल्कि विस्फोटक बल्लेबाज भी हैं, जिसका नमूना उन्होंने आगे चलकर 2014 के आईपीएल फाइनल में भी दिखाया। पीयूष ने 2014 के आईपीएल फाइनल में किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ बाउंड्री लगाकर केकेआर को विनर बनाया था और उनके शॉट को शाहरुख खान ने भी सेलिब्रेट किया था। पीयूष चावला के आईपीएल रिकॉर्ड भी उनके लेग स्पिन के जादू को बयां करते हैं। पीयूष चावला 2011 वर्ल्ड कप की विनिंग टीम का हिस्सा भी थे। महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में भारतीय टीम ने
2011 का वर्ल्ड कप अपने नाम किया और चावला ने भी इसमें अपना अहम योगदान दिया। उन्होंने वर्ल्ड कप के 3 मैचों में 4 विकेट अपने नाम किए थे, मगर ये सितारा लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी चमक नहीं बिखेर सका। आइए भी एक नजर डाल लेते हैं पीयूष चावला के क्रिकेट करियर पर। पीयूष चावला ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के 136 मैचों में 445 विकेट अपने नाम किए हैं। इसके अलावा उन्होंने 5475 रन भी बनाए हैं। वहीं लिस्ट ए मैचों में पीयूष चावला ने 160 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 1917 रन और 240 विकेट अपने नाम किए हैं। वहीं T20 के 261 मैचों में उन्होंने 274 विकेट लिए हैं। पीयूष चावला ने भारत के लिए 3 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 7 विकेट अपने नाम किए। उन्होंने भारत के लिए सर्वाधिक 25 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्हें 32 विकेट प्राप्त हुए हैं। वहीं पीयूष चावला को भारत की तरफ से 7 T20 मैच खेलने का मौका मिला, जिसमें उनका प्रदर्शन बहुत ही औसत रहा और उन्हें महज 4 ही विकेट हासिल हुए। IPL के 165 मैचों में पीयूष चावला ने 157 विकेट अपने नाम किए, जो कि अपने आप में उनकी T20 क्रिकेट की प्रतिभा को दर्शाता है। इसके अलावा पीयूष चावला ने IPL में 584 रन भी बनाए, इसमें 2014 IPL फाइनल का विनिंग शॉट भी शामिल था। अगर निजी जिंदगी की बात करें तो पीयूष चावला का जन्म 24 दिसंबर 1988 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाजों को अपनी फिरकी से नचाने वाले पीयूष चावला अपनी एक पड़ोसन के प्यार में बोल्ड हो गए थे। 2 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद पीयूष चावला ने 29 दिसंबर 2013 को अनुभूति चौहान से शादी कर ली थी। पीयूष और अनुभूति एक दूसरे को बचपन से जानते थे और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। पीयूष चावला का एक 5 साल का लड़का भी, जिसका नाम अद्विक है। हाल ही में कोरोना के समय पीयूष चावला के पिता का निधन हो गया था। पीयूष चावला से जुड़ा एक दिलचस्प फैक्ट यह भी है कि उन्होंने टीम इंडिया के लिए खेलने के साथ साथ कुल 22 टीमों के लिए क्रिकेट मैच खेला है। इनमें इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया ग्रीन, इंडिया रेड, गुजरात, एयर इंडिया, किंग्स इलेवन पंजाब, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स शामिल हैं। इसके साथ साथ वे विदेशी घरेलू टीमों के लिए भी खेल चुके हैं। फिलहाल 2023 के IPL ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने पीयूष चावला को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। लगभग विराट कोहली की उम्र के इस खिलाड़ी का अंतर्राष्ट्रीय करियर लगभग खत्म हो गया है, लेकिन पीयूष चावला घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। 2017-18 के रणजी ट्रॉफी में वो लीडिंग विकेट टेकर थे। हम उम्मीद करते हैं कि 2023 के IPL में एक बार फिर वो अपनी गुगली और लेग स्पिन का जादू दिखाएंगे। तो वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।